आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और अपनी आंखों के सामने लगातार एक के बाद एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें मैं देख रही हूं। लगातार लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। एनडीआरएफ की जो हमारी टीम है वो रेस्क्यू करके लोगों को बचाने की कोशिशों में तो लगी हुई है, लेकिन जिंदा बचा पाना इस वक्त लोगों को के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। शुरुआती जो जांच हुई है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद और डिटेल में पता चल पाएगा, लेकिन बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि सिग्नल सिस्टम फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं आपको बताते चले, दूसरी तरफ लगातार बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार की ओर से जिस कवच सिस्टम का ऐलान किया गया था कि कवच लगने के बाद पहले से ही सिग्नल मिल जाएगा और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने से पहले ही काफी सिग्नल लगातार मिल जाएगा और वो रुक जाएगी, उस बारे में क्या कोई प्रगति नहीं हो पाई है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। विरोधी दलों की ओर से भी लगातार सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे। रेस्क्यू यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रात भर चलता रहा, यहां पर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लोगों को निकालने का काम जारी रहा। स्थानीय स्तर पर बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे जो मदद कर रहे थे और उसके बाद ही रेस्क्यू की टीमें यहां पर सरकारी तौर पर पहुंच पाई थी। लेकिन अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर रेल में हो रहे इस तरह के हादसों पर पूरी तरह से लगाम इस देश में कब लगेगी। जब हम बड़ी बड़ी ट्रेनों की बात करते हैं, वंदे भारत की एक बड़ी तस्वीर देश के सामने है, बुलेट ट्रेन की एक बड़ी तस्वीर देश के सामने है, ऐसे में अगर इस तरह से हादसे होंगे इन सामान्य ट्रेनों के तो यकीनन उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। 260 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और जैसा कि तस्वीरों में मैंने देखा, मेरे खुद की आंखों के सामने 6 से 7 शव लेकर जाए गए और कहा जा रहा है 10 से 15 शव और रखे गए हैं। एनडीआरएफ के जवान जिसको लेकर एक से दूसरे जगह जा रहे हैं। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला, लेकिन इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से इस हादसे पर क्या कुछ कहा गया है सुनते हैं। सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है सर बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है, रेल को चौपट कर दिया। आप लोग हमेशा रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी आप बोलते रहे लालू जी? हाँ बोलते रहे लालू जी। इस वाले विपक्षी एकता को लेकर के भी काफी एक पहल की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे, बड़े सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए हैं। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पूर्व रेल मंत्री भी रह चुकी हैं, चूंकि जिन ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के यात्री भी उसमें सवार थे, ममता बनर्जी जब बालासोर पहुंची उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है अब जरा वो जानिए। मैंने जब मिनिस्टर था मैंने एंटी कोल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम किया था, एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कोल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में दो ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कोल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया, मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में, हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है,
जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। एंटी कोलिजन डिवाइस की वो बात करती हुई कि जब वो रेल मंत्री थी तो उनकी ओर से लाया गया था ताकि एक पटरी पर अगर दो ट्रेनें चले, एक ट्रेन पहले से ही मौजूद हो तो दूसरी ट्रेन को रोका जा सके। लेकिन हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाएंगे। इस पूरे मामले में आपको बताते चले, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है जो लोग मारे गए हैं उनकी जिंदगी का हिसाब यकीनन देना पड़ेगा उन जिम्मेदार लोगों को जो सीधे तौर पर जिनकी जवाबदेही इसके लिए तय होती है। लेकिन उसके पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये बुलडोजर आप देख रहे हैं, हटिए भाई साहब किनारे हटिए, ये देखिए इसको साफ किया जा रहा है क्योंकि इसी बुलडोजर से। आपको बताते चले कि ये जो बोगी मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, संजय जरा आगे आइए, ये जो बोगी है इसको नीचे की तरफ नीचे जब गिरा दिया गया था उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है। थोड़ा सा अगर अंदर जाकर हम देखें, आपको बताते चले यहाँ पर कपड़े फैले हुए हैं, छोटे बच्चों के चप्पल जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, छोटे छोटे चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए हैं। क्रेन आपको बता दे, क्रेन यहां पर लगाया गया है और क्रेन से ही इसको यहां पर ये जो बोगी आप देख रहे हैं इस क्रेन से यहां पर ये छोटे बच्चे की चप्पल मैं देख पा रही हूं, संजय अगर आप दिखा पाए, यहां पर देखिए एक व्यक्ति का जूता यहां पर देख पा रही हूं और इसमें मूंगफली, आमतौर पे जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं मूंगफली बिस्किट देख पा रही हूं मैं यहां पर, बाकी फ्रूटी का डिब्बा है, कुछ चिप्स के पैकेट यहां पर पड़े हुए हैं। ये वो ट्रेन है, अंदर की तस्वीरें। क्या हम अंदर जा सकते हैं? अंदर जा सकते हैं भाई साहब, अंदर जा सकते हैं, एक बार आ जाओ थोड़ी मदद के लिए। संजय अंदर आ जाइए प्लीज, एक बार आ जाओ थोड़ी मेरी मदद करने के लिए। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। बाहर एक बार दिखाइए, बाहर की तस्वीर बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ये पूरा का पूरा डिब्बा। एक कोई मेरी मदद कर दो, एक कोई अंदर अंदर चलने में आइए। संजय अगर हम अंदर जा पाए और अंदर की तस्वीरें, संजय आइए आप जरा, थोड़ी लाइट भी आपको ऑन करनी पड़ेगी। आप थे, आपने गिराया है इसको? अच्छा ठीक है, आप यहीं पर रहिए। संजय आप थोड़ा सा अंदर अगर आ पाए, यहाँ पर देखिए ये स्लीपर बोगी का क्या हाल हुआ है। यहाँ पर जूते, खून के धब्बे, कपड़े और छोटे बच्चों के खिलौने, चार्जर और भी तमाम सामान यहाँ पर फैले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बोगी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, अंदर देखिए, ये स्लीपर बोगी है, अंदर किस तरह से ये जो ऊपर अपर बर्थ था ये जब झटका लगा होगा तो कैसे ये नीचे आ गिरी, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या हाल हुआ है। संजय अगर थोड़ा सा आप अंदर आ पाए, यहाँ पर तस्वीरें भी किस तरह से सामान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, ऊपर जरूर लाइट जल रही है लेकिन ये हिस्सा अब ऐसा नहीं रह गया है कि इसको इस्तेमाल में लाया जा सके। यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे पड़े हुए हैं जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ। और अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे हिस्से में। ये एक बोगी जिसको किनारे किया गया है, क्रेन की मदद से इसको दूसरी तरफ लेकर आया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह, कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ भी बचा नहीं है। आगे का ये पूरा का पूरा हिस्सा किस तरह से डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जरा सोचिए। लोहे के परखच्चे इस तरह से उड़े हैं जैसे अगर प्लास्टिक के परखच्चों की हम बात करें तो वो उसमें अगर टक्कर होती है तो होते हैं, ये लोहा है और आप देखिए किस तरह से इसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़े हैं। जरा दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे, वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएं। यहाँ पर आपको बता दें लगातार आसपास के लोग आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। कुछ लोगों को जैसे जानकारी मिल रही है अपनों के बारे में भी, वो यहाँ पर जानकारी लेने आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी, पूरी तरह से पलटी हुई ये गाड़ी और उसके पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है जो आगे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कितनी तेज रफ्तार में ये गाड़ी रही होगी इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान ये देखिए, जरा टिफिन में भरकर लोगों ने अपना खाना पैक किया होगा।
यहाँ पर हम टिफिन देख पा रहे हैं, इसमें चिप्स के पैकेट हैं बच्चों के लिए, इसमें चिप्स के पैकेट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ रखे गए होंगे। ये देखिए चिप्स के पैकेट अपने बच्चों के लिए लोगों ने रखे होंगे, खाने पीने का सामान है, पानी का सामान है, ये तमाम सामान यहीं के यहीं रह गए। और छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बहुत बड़ा ये हादसा है और इसके लिए जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरह से इकट्ठा करके, जरा थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे दूसरी तरफ आएंगे, जरा नीचे की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप जरा देखिए कितनी मजबूती से इसको रेलवे की पटरी को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह की स्थिति पैदा हुई है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये रेल की पटरी, ये देखिए टूट कर किस तरह से इसका हिस्सा अलग हो गया है। यहाँ पर आप देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लास्टिक का कुछ हो और उसको तोड़ दिया हो, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इस तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ पर आप देखिए यहाँ ये कांच, एसी बोगी का ये कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। संजय थोड़ा आगे आइए, धूप बहुत ज्यादा है, आपको बताते चलें दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए। दूसरी तरफ का ये अगर डिब्बा हम दिखाना चाहें आपको, आप देखिए एसी बोगी जिसमें लोग आराम से सफर कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से ही चीख पुकार मच जाती है और उसके बाद हालात यहाँ पर खराब हो जाते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग देखने के लिए आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, हम देखने के लिए नहीं, मतलब देखने के लिए आए हैं, रिश्तेदार तो कोई नहीं है। अच्छा, हेल्प करना। क्या देखा था आप लोगों ने, क्या देखा है सुबह सुबह जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या देखा? सुबह नहीं, कल से मैं यहाँ पे, कल से ही आप लोग यहाँ पर हैं, क्या देखा है? हाँ, बहुत सारा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, लोग का हड्डी वगैरह टूट गया है और बहुत सारा। आप लोगों ने मदद भी की लोगों को? रात भर तो मत, रात भर पूरी मदद आपने? आइए सर, कहाँ मदद की है, क्या देखा? हेड ऑफिस, हेड ऑफिस हॉस्पिटल में, वहाँ से लगातार। हाँ हाँ, वहाँ से लगातार हेल्प किए हैं। अच्छा, आईसीयू में पहुंचाए, पकड़ पकड़ के कितने लोगों को पहुंचाया? कम से कम तो वहाँ आपको नहीं भी हो गया तो 1000 के ऊपर ही हो गए, 1000 के ऊपर लोग होंगे अस्पताल में जिनको भर्ती किया गया है। हाँ, आपने भी देखा, आप भी देखा? हम तो अभी आगे पहुंचे, देखे जो इस तरीके से आए हैं। आप लोग कब आए यहाँ पर? कल शाम तक, कल शाम से यहीं पर हैं। क्या क्या देखा आपने? पहले जो देखा है कि जो ट्रेन का बगी लोड हो गया, उसके बाद जो लोग चीख पुकार दे, हम उससे निकल कर हॉस्पिटल पहुंचाया, रेस्क्यू कर रहे थे कल रात में बहुत लोग। हमारे स्थानीय लोगों की तारीफ करनी होगी, जिन लोगों की ओर से रेस्क्यू किया गया है, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं थोड़ा तस्वीरें दिखाने के लिए? इस तरफ आते हैं, यहाँ पर आम लोगों को तो आने की इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह आपको बताते चले कि रस्सियों से घेरा गया है ताकि लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। आप जरा देखिए यहाँ पर, संजय जरा ये तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर आप देखिए इस बोगी का क्या हाल हुआ है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे लेकिन अचानक से ही जोरदार धमाका होता है और उसके बाद नीचे की पटरियां, संजय नीचे की पटरियां आप दिखाइए, नीचे जो लोहे के चक्के हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं और ये पूरा का पूरा हिस्सा एक से दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है, लेकिन अचानक से जोरदार धमाका और आवाज आने के बाद देखिए इसकी स्थिति क्या हो जाती है। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रहा है, इधर घर में लगा है। डेड बॉडी है अभी तक, निकलता नहीं कभी, अभी है। हम लोग भी मिलके बहुत सारे रेस्क्यू किए। ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के, मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं मतलब गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। ये रेलवे की पटरी है जो टूटकर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है।